कांग्रेस के सहयोगी संगठन दलित अभियान समिति ने लोकसभा चुनाव 2019 में जीत हासिल करने के लिए दलितों, पिछड़ों और गरीब किसानों की लड़ाई लड़ने और ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए रविवार को चारू चंद्रपुरी स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य मदन मोहन तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। तीन प्रदेशों में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी में जुट गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मदन मोहन तिवारी ने बताया। कांग्रेस कमेटी मनीष ओझा जी, विद्वान प्रवक्ता भाई प्रदीप नाथ के भाई अरविंद पांडे जी, विज्ञान भाई, हम लोग के दलित जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक, चुनाव के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हर क्षेत्रों से मेरा अनुरोध है कि सब लोग कम की शुरुआत करेंगे, इसी नाते इस बैठक के लिए आज योजना बैठक बनाई गई है। महेंद्र मोहन तिवारी, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। ये बैठक हमारे दलित जोड़ो अभियान समिति है, जो कांग्रेस का एक सहयोगी संगठन है। उस बैठक पूरे प्रदेश में हम लोग दलित समाज को, पिछड़े समाज को, गरीब किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको लामबंद करने के लिए ये बैठक बुलाए हैं। और इस बैठक के माध्यम से हम लोग सबको जोड़ने का कार्य, सबको जागरूक करने का कार्य, सबको संगठित करने का कार्य हम लोग करेंगे। जिससे तीन राज्यों में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, इससे उत्साह ऊर्जा मिली है। ये लोग हमारे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ और मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। क्यों इसमें हम लोग कांग्रेस में जीते और माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, इसी संदर्भ में बैठक है, जो दलित पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में जोड़ने का कार्य करेंगे हम लोग।